के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई है संसारी में। और दोस्तों आज से आपका जो सेकेंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये 50 अंकों का होता है। इसकी क्लासेस आज से रेगुलर स्टार्ट हो चुकी हैं, तो सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएं और क्लासेस को अच्छे से अटेंड करें। निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम तक आपकी जो तैयारी है वो धुआंधार करा दी जाएगी और निश्चित रूप से आपको इस परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास कराएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, सारी क्लासेस को अच्छे से अटेंड कीजिए और आप जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे तब तक आपकी जो तैयारी है वो लगातार चलती रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसके साथ में आपको मिलते रहेंगे। अभी तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे ही आपका जो सब्जेक्ट है ये कम्प्लीट हो जाता है, इसकी जो PDF फाइल है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर दो, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद फिर आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे जिस तरह से परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो इसमें आते नहीं है, यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यही तीन तरह के क्वेश्चन आपके होते हैं, तो सारे बिल्कुल उसी तरह से तैयारी कराई जाएगी जिस तरह से परीक्षाओं में आपको क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वो लिखे हुए मिलते हैं। तो सबसे पहला सवाल आज के इस क्लास का आप लाइव देख पा रहे होंगे, न्यूपा का मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको बताना है, दिल्ली में, राजस्थान में, लखनऊ में या फिर कानपुर में। तो न्यूपा का जो मुख्यालय है दोस्तों वो आपका दिल्ली में, ये आपको हमेशा याद रखना है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं के लिए। न्यूपा का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका दूसरा सवाल है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षक अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, ये आपको ध्यान बताना है, ठीक है, कब पारित हुआ था। जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो लास्ट में जो चीज़ पूछी जा रही है उसे आपको जरूर देखना है, ठीक है। तो जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षक अधिकार अधिनियम जो है ये सन 2009 में पारित हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है, सभी के लिए शिक्षा ये किसका मुख्य लक्ष्य है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, साक्षरता अभियान का, या दोनों का, या इनमें से किसी भी नहीं का। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 में आई थी, ठीक है, इसका जो मुख्य लक्ष्य था ये सभी के लिए शिक्षा, ये इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य लक्ष्य था। इसके बाद आपका अगला सवाल है, नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत ये कहा गया है कि हर अभिभावक व संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा प्रत्येक अभिभावक और संरक्षक, ये जो कहा गया है ये अनुच्छेद 51 का में कहा गया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष गठित हुआ था, ये आपको बताना है। जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम है, ठीक है, ये किस वर्ष गठित हुआ था, तो ये आपका सन 2005 में गठित हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 6, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन सन 1882, ठीक है, ये 1882 होगा, 1982 नहीं होगा, 1882 ईस्वी में हुआ था, इसके अध्यक्ष उस समय कौन थे, तो ये आपको बताना है, जिसे हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है या हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके जो उस समय अध्यक्ष थे वो थे सर विलियम हंटर, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, हंटर आयोग का संबंध है, यहाँ पर संधि हुई है, हंटर आयोग किस वर्ष गठित हुआ था, तो हंटर आयोग सन 1882-1883 में गठित हुआ था, ये आपको याद रखना है, हंटर आयोग का संबंध सन 1882-1883 से है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, यहाँ पर आपको रिवीजन के साथ साथ सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, आगे आने वाले समय में अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। इसके साथ साथ जैसे ही आपकी क्लासेस समाप्त होंगी उस कोर्स समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक कम्प्लीट देख लीजिए अच्छे से, और जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आता उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। इसके बाद आपका अगला सवाल है 8 नंबर का, मैकाले के विवरण पत्र का जो संबंध है वो किस वर्ष से है, मैकाले का जो विवरण पत्र था वो किस वर्ष आया था, ये आपको बताना है। तो ये आपका 1935 में आया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, यशपाल समिति, ठीक है, यशपाल कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था, ये भी शिक्षा से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो यशपाल समिति का जो गठन है वो सन 1992 में किया गया था, यशपाल समिति का गठन किया गया था। इसके बाद आपका अगला सवाल है, डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन, ठीक है, डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, ये आपका सन 2000 में हुआ था, ये आपको याद रखना है।
डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन वर्ष 2000 में हुआ था। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन है, अगला सवाल है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ था। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किया गया था जिसके अंतर्गत जो शिक्षार्थियों को न्यूनतम शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जाए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये इसका गठन किसके अंतर्गत हुआ था ये आपको बताना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किया गया था और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो उद्देश्य था वो शिक्षक जो छात्र हैं जो यहाँ पर छात्र हैं उनको न्यूनतम शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें थी। इसके बाद आपका अगला सवाल है 12 नंबर का, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है। सर्व शिक्षा अभियान का जो संबंध है वो आपका डकार विश्व सम्मेलन से है, ये आपको याद रखना है। सर्व शिक्षा अभियान का जो संबंध है वो डकार विश्व सम्मेलन से है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया, ब्रिज कोर्स को कब समाप्त किया गया था। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ब्रिज कोर्स को समाप्त कर दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की थी, तो 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बालकों के अधिकारों की घोषणा की गई थी। इसके बाद आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी, इसको भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया था ये आपको बताना है, ठीक है। यानी कि कब लागू किया था, तो भारत ने इसको कब लागू किया था यानी कि कब अंगीकृत किया था, ये 11 दिसंबर 1992 को इसे अंगीकृत किया था भारत सरकार ने, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई थी। तो राष्ट्रीय बाल नीति की जो घोषणा है वो भारत सरकार के द्वारा 22 अगस्त 1947 में की गई थी। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, 70 नंबर का, किस अनुच्छेद से संबंधित बच्चों को कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है, ठीक है। ये हमारे संविधान में है, ठीक है। बच्चों को किसी कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है। तो ये जो कहा गया है ये अनुच्छेद 24 में कहा गया है, ठीक है। भारत का जो संविधान है उस संविधान के अनुच्छेद 24 में कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है। इसके बाद आपका अगला सवाल है 18 नंबर का, किस अनुच्छेद से संबंधित है। ये भी यहाँ पर अनुच्छेद के लिखा हुआ है, स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं बल्कि उनका स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी एक दंडनीय अपराध है। यानी कि आप किसी स्त्री या बच्चों को बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते और अनैतिक व्यापार भी उनका नहीं कर सकते, ये भी एक तरह का दंडनीय अपराध है। इसके बारे में भी संविधान में इसका जिक्र साफ साफ उल्लेख किया गया और ये किस अनुच्छेद में है ये आपको बताना है। तो ये आपका अनुच्छेद 23 में वर्णन किया गया है। इसके बाद आपका अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर और इसे आप देख पा रहे होंगे, 19 नंबर का सवाल है, आपको ध्यान देना अच्छे से। यहाँ पर एक कथन है दिया हुआ, मैं काल के सारे धर्म मानता हूँ क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। पथ भले ही अलग अलग हैं यानी कि जो रास्ते हैं वो सभी धर्मों के भले ही अलग अलग हों लेकिन सभी धर्मों की जो मंजिल है, ठीक है, वो एक ही है। अतः ये आवश्यक है कि सभी धर्मों को समान आदर दिया जाए, ये किसका कथन है ये आपको बताना है। तो ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, इन्होंने सभी धर्मों का आदर करने के लिए कहा। उन्होंने कहा है कि सभी धर्मों के रास्ते भले ही अलग अलग हों लेकिन सबकी जो मंजिल है वो आखिर एक ही है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, आप सवाल देख कर थोड़ा डरिएगा नहीं, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, बस आपको ध्यान देना है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्ति के साधन, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्री पुरुषों के लिए समान वेतन तथा बच्चों के लिए गरिमामय वातावरण में विकास संभव हो सके, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। यानी कि ये भी एक अनुच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है और जो संविधान का अनुच्छेद है वो किस अनुच्छेद में ऐसी जो बातें हैं वो वर्णन की गई हैं ये आपको बताना है। जैसे कि जो स्त्री और पुरुष हैं उन्हें समान वेतन दिया जाए, किसी भी जगह अगर वो जॉब करें तो समान वेतन दिया जाए और सभी नागरिकों को, स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्ति के साधन उपलब्ध कराए जाएं, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्री पुरुषों के लिए समान वेतन तथा बच्चों के लिए गरिमामय वातावरण में विकास जो है वो संभव हो सके, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये अनुच्छेद 39 में कहा गया है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं,
ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने स्किन पर है, डाइट से रिलेटेड है, ये तो आपको पता ही होगा डाइट, ठीक है। डाइट का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हिंदी में आपको बोल सकते हैं इसे आप, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर डाइट कॉलेजेस से बिलोंग करते होंगे जो कि गवर्नमेंट कॉलेज होता है। तो डाइट के यहाँ पर कार्य पूछ रहा है, तो डाइट में क्या क्या कार्य होते हैं, सबसे पहले तो आपको BTC यानी कि DL.ED का प्रशिक्षण ही दिया जा रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद सेवारत प्रशिक्षण भी दिया जाता है जो अध्यापक सेवा में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कई बार टीचिंग जो टीचर होते हैं उनको यहाँ पर कई बार प्रशिक्षण दिया जाता है, अलग अलग तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, कभी किसी काम के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कभी किसी काम के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो उनका जो सारा प्रशिक्षण होता है वो शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है वो डाइट में ही हो रहा है। जब आपकी जॉब लग जाएगी, आप सेवा में आ जाएंगे, तो जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वो आपको डाइट में ही बुलाकर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है विशिष्ट स्पेशल BTC का जो प्रशिक्षण है वो भी आपका यहाँ पर डाइट में दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो अगला ऑप्शन आपके सामने उपयुक्त सभी, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सारे प्रशिक्षण हैं वो डाइट में दिए जाते हैं, यानी कि जो सारे कार्य हैं वो डाइट के हैं, तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, द ऑप्शन इज राइट। इसके बाद आपका अगला सवाल है जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य क्या है। जो जिला परियोजना कार्यालय है उसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना, VRC प्रशिक्षण, विद्यालय भवन का निर्माण, उपयुक्त सभी। तो ये जिला परियोजना कार्यालय के सभी कार्य हैं, ठीक है, सभी उद्देश्य हैं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये जिला परियोजना कार्यालय के उद्देश्य सभी हैं, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, और इस सवाल में 23 नंबर में आपसे पूछा गया कि 6 से 14 आयु वर्ग के छात्रों हेतु अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो किस धारा के अंतर्गत किया गया, ये आपको बताना है। तो ये आपने पढ़ाई होगा धारा 45, ठीक है, धारा 45 के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के छात्रों हेतु अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो किया गया। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 21A, ठीक है, 21A में इसका प्रावधान है और धारा 45 के अंतर्गत, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का जो संबंध है वो किस अनुच्छेद से है, तो जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया अनुच्छेद 21 से है, ठीक है, अनुच्छेद 21A, ठीक है, कहीं कहीं पर आपको 21 लिखा हुआ मिलेगा बल्कि ये अनुच्छेद 21A है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर ए और होना चाहिए। उसके बाद आपका अगला सवाल है शिक्षा बिना बोझ के, इसका संबंध किससे है, तो ये पूरी तरह से यशपाल समिति से है। जो यशपाल समिति है उसने यहाँ पर ये संस्तुति की थी कि जिस शिक्षा दी जाती है बच्चों को उसमें जो बैग दिया जाता है उसका जो बोझ है वो कम किया जाए और यहाँ पर बच्चों को ज़्यादा होमवर्क ना दिया जाए, और इसके साथ साथ और भी कई सारी यहाँ पर संस्तुतियाँ की गई। तो शिक्षा बिना बोझ के इसका जो संबंध है वो यशपाल समिति से है। इसके बाद आपका अगला सवाल आपको देखने के लिए मिल पा रहा होगा 26 नंबर का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी, तो ये आपकी 1986 में बनी थी, ये आपको पता ही है। इसके साथ साथ अभी आपको पता चल ही गया होगा 2020 में भी एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश में लागू हो चुकी है, और जिसका जो स्ट्रक्चर है वो 5+3+3+4 इस तरह से है। जो 1986 में आपकी शिक्षा नीति आई थी उसका जो स्ट्रक्चर था वो 10+2+3 था, जो कि अब तक चला आ रहा था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, ये चेंज कर दिया है इसका स्ट्रक्चर और नई शिक्षा नीति अभी इंडियन गवर्नमेंट ने लागू कर दी है ऑल इंडिया में, आपको पता चल ही चुका होगा। इसके बाद आपका अगला सवाल है 27 नंबर का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को टोटल 12 खंडों में बांटा गया है। ये 1986 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की जा रही है, हमेशा आपको याद रखना है। इसके बाद आपसे अगला सवाल पूछा गया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की जाती है। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होते हैं, ठीक है, गर्ल्स स्कूल होते हैं, जो कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल, उनकी जो स्थापना है वो किस लेवल पर की जाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मंडल लेवल पर, या ब्लॉक लेवल पर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनकी जो स्थापना है वो ब्लॉक लेवल पर की जाती है, यानी कि ब्लॉक स्तर पर की जाती है। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर, और यहाँ पर अगला सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है, यानी कि कितने सालों तक स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो इसमें टोटल 3 वर्षों तक स्कूल में बालिकाओं को पढ़ाया जाता है, और पिछले एरिया में ये जो स्कूल हैं वो स्थापित किए जाते हैं, इसमें क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, ठीक है, इन 3 क्लासेस में केवल गर्ल्स को जो एजुकेशन है वो दी जाती है, केवल गर्ल्स स्कूल होते हैं, तो ये 6, 7 और 8 में कक्षा में जो शिक्षा है वो दी जाती है। इसके बाद आपका अगला सवाल है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का आयु वर्ग क्या है, तो ये आयु वर्ग रहेगा आपका 11 से 14, ठीक है, जो छठी क्लास में बच्चे आ जाते हैं उनकी आयु लगभग 11 वर्ष हो जाती है, और 8वीं क्लास में जब वो होते हैं तो लगभग 14 वर्ष उनकी जो आयु है वो हो जाती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। तो 6 से 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को जो शिक्षा है वो दी जाती है।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। तो ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, और आगे ऐसे ही इससे अच्छी अच्छी क्लासेज आपको लगातार मिलती रहेंगी परीक्षाओं तक। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत जल्दी क्लासेस यहाँ पर अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच। हम स्टूडेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।